कोर्ट में गए थे बेल के लिए, उनको फिर से अरेस्ट करने के ऑर्डर निकाले हैं और वो बेल कैंसिल कर लिए। तो बाहर ऐसी नफरी खड़ी कर दी है जैसे कोई अंदर क्रिमिनल है, कोर्ट में बैठे हुए हैं अभी भी। तो डरने वाले नहीं है, वो झूठे केसेस में, हर झूठे केसेस में जाते हैं, अपनी पेशी देते हैं बेल के लिए। आज वो गए तो उनको बेल कैंसिल करके उनको अरेस्ट के वारंट निकाल दिए और फिर वो जो बाहर काले गुंडों की वर्दी में अपने काले गुंडे खड़ी कर दिए, नफरी खड़ी कर दी उसकी, मुराद अली शाह ने, जरदारी माफिया ने। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम लोगों को खौफ निकल चुका है, अल्लाह का खौफ तुम लोगों में निकल चुका है, तुम लोग के आगे भी बच्चे हैं, तुम लोग के आगे भी फैमिलीज हैं। वो इंसान सिंह की बात करता है, हलीम अहमद शेख सिंह की बात करता है। मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, तुम लोग इतने गिर चुके हो, मुझे पता है कि तुम इसके ऊपर भी केसेस बना सकते हो। हलीम अहमद शेख के छोटे बेटे पे, कामिल हलीम पे, तुम इस पर भी केसेस बना सकते हो, तो तुम बना लो। ये भी डरने वाला नहीं है, ये भी खान का सिपाही है, ये भी अपने पापा का जो है वो साथ हमेशा देता है और देता रहेगा। इस पर भी केसेस बनाने, तो इस पर भी बना लो। ये भी उनकी तरह बहादुर है। तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं, हमें पता चला है वो कोर्ट में बैठे हुए हैं और बेल के लिए गए थे तो उनके अरेस्ट वारंट निकाल दिए। तो शर्म आनी चाहिए मुराद अली शाह और ये जरदारी माफिया, तुम लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। एक इंसान सिंध की बात करता है, वो अपने झूठे केसेस की वो हर पेशी में पेश होता है, उसके बाद तुम लोग बाहर जो है ऐसी नफरियाँ खड़ी कर देते हो। तो इनको ये खौफ है कि अभी खान साहब आने वाले हैं और एक इनको जो है हमेशा की तरह किसी ना किसी सियासी एक्टिविटी से हटा कर उनको अरेस्ट कर देते हैं, इन्हीं केसेस में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो वो डरने वाले नहीं है, मेरे हस्बैंड हलीम अहमद शेख डरने वाले नहीं है। उनको अरेस्ट करना है करो, हम लोगों को करना है करो, उनके कारकुनों को करना है करो। हम खान के सिपाही हैं और इंशाल्लाह तुम लोगों से मुकाबला करते रहेंगे, तुम लोगों का काला चेहरा जो है हम दिखाते रहेंगे। मैं आवाम को बताना चाहती हूँ, तो ये देखिए आप, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप जाओ बेल के लिए, बेल कैंसिल कर दो, बाहर नफरी खड़ी कर दो जैसे अंदर कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है।